प्रिय बहनों और भाइयों, बच्चे हमारे देश का भविष्य है और वर्तमान भी। स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बच्चे समर्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उसकी पूरी सफलता के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे पूर्णतः स्वस्थ रहें। आंगनबाड़ी माध्यम है बच्चों को स्वस्थ रखने का, सुशिक्षित करने का, उनको बेहतर संस्कार देने का, उनकी बेहतर ग्रोथ का। लेकिन आंगनबाड़ी केवल सरकार की जवाबदारी नहीं है। सरकार संसाधन जुटा रही है, पोषण आहार भेज रही है, व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन समाज की भी तो कोई जवाबदारी है, मेरी, आपकी, हमारी, कि अपने बच्चों के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। और इसलिए हमने सोचा कि आंगनबाड़ी केवल सरकार न चलाए, सरकार के साथ समाज को भी जोड़ा जाए। इसलिए हमने आंगनबाड़ी गोद ले अभियान प्रारंभ किया। कई लोगों ने आंगनबाड़ी गोद ली, लेकिन केवल एक व्यक्ति आंगनबाड़ी गोद क्यों ले? वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी तो आंगनबाड़ी से जुड़े हैं। आंगनबाड़ी में संपूर्ण पोषण आहार मिले, शिक्षा देने की व्यवस्था ठीक हो, खेलकूद की व्यवस्थाएं की जाए, आज इसकी आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी को समाज से जोड़ने के लिए, आंगनबाड़ियों में संपूर्ण संसाधनों की व्यवस्था के लिए मैं भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकला था, बच्चों के लिए खिलौने और अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए। मैं ये बताते हुए भाव विभोर हूं, लोगों ने दोनों हाथ खोल कर दिया। मैं तो हाथ ठेला लेकर निकला था, लेकिन खिलौनों से ट्रक भर गए, अनेक प्रकार की सामग्री आ गई, लाखों रुपए के चेक आ गए, कमिटमेंट आ गए। मेरा उत्साह और बढ़ गया। और इसलिए समाज को आंगनबाड़ी से जोड़ने का अभियान अब एक सामाजिक आंदोलन बन रहा है। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं, आप भी इस अभियान से जुड़िए, आंदोलन से जुड़िए। आप आंगनबाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग कर सकते हैं। किसान है, अनाज दे दीजिए, व्यापारी है, सामग्री दे दीजिए, उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, अन्य काम में लगे व्यक्ति हैं, तो जो आपका सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य से कुछ ना कुछ आंगनबाड़ी में जरूर दें। आप, अगर आपका जन्मदिन है तो आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ मनाएं। आप ना जाए तो वहां दूध भिजवा दें, फल भिजवा दें और कोई पोषण सामग्री भिजवा दें, पोषण आहार की सामग्री भिजवा दें। माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में आप आंगनबाड़ी में भोजन करा सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन पर भी आप आंगनबाड़ी में सामग्री भेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपसे भावुक अपील कर रहा हूं, आंगनबाड़ी से जुड़िए, मतलब अपने बच्चों से जुड़िए, मतलब अपने देश के भविष्य से जुड़िए। और अगर आप ना जा पाए कोई बात नहीं है, मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं जो बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं। जैसे मैं भोपाल में निकला मित्रों,
आप अपने शहर में निकलिए, अपने गांव में निकलिए, सामग्री एकत्रित कीजिए और आंगनबाड़ी को भेंट कीजिए। हर एक नहीं जा सकता, तुम सामान लेने तो जा सकते हैं। जब मैं हाथ ठेला लेकर निकल सकता हूं तो आप भी निकलिए। आइए संकल्प करें, हमारे प्रदेश में हर बच्चा संपूर्ण स्वस्थ होगा, कोई अंडरवेट नहीं रहेगा, आंगनबाड़ी में पोषण आहार की कमी नहीं रहेगी, बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम करेंगे, समाज करेगा। निकलिए, ये आंगनबाड़ी से समाज को जोड़ने का अभियान, बच्चों को स्वस्थ शिक्षित और संस्कारित बनाने का महायज्ञ है। आप भी इसमें अपनी आहुति डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।